आज क्या पढ़ रहा था बताइए तो जरा। सारा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया था ना। बोलो, उसपे बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड। ऐसा डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़े हैं उसपे हम लोगों ने सब सब पे एग्जांपल कर ही लिया है, ऑलमोस्ट सब पता है। अब हम लोग उसपे बेस्ड कुछ भी हायर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि सॉल्व करके बताना है। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठो, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे तो जरा जल्दी से, और क्वेश्चन बोल रही हूँ वो लिखते जाइए और एक फास्ट। सेकंड मैम, रुक जाइएगा मैम। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फास्ट कैलकुलेशन करना है और फिर आंसर बताना है। यही आपका काम। चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी हो गए कॉपी पेन लेके तो बोलना जल्दी से, क्वेश्चन बताएंगे। यस मैम, बोलिए मैम। चलो लिखो तो क्वेश्चन एक। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 24 और नॉट? नंबर है, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 24 और नॉट? नंबर है 5 2 5 6 5 2 5 6 3 7 4 4। ये नंबर डिविजिबल है 24 से या नहीं? मैंने डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला है, ये डिविजिबल है या नहीं 24 से? क्या चलवा रही है मैम? क्या पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन कैलकुलेशन करने के लिए बोल, पता नहीं है तो मैम क्लास करवा रही है, मैम क्वेश्चन लिखवा रही है। क्या बोल रहे हो? क्या कुछ भी तो मैम उनको मीट कर चुकी है। पल्लवी, पल्लवी क्या बोल रही हो? क्या क्या बोल रही है? चलो बताओ जल्दी से, ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं 524? तरीका है A24 से चेक करने के लिए क्या करना होगा। 24 में देखो, 24 का फैक्टर देखोगे तो 8 और 3 8 into 3 24 आ जाता है ना। ये फैक्टराइज है मैम, डिविजिबल है मैम। है डिविजिबल, कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, जीरो होगा। यस मैम, ठीक है चलो। और ये नंबर डिविजिबल बाय 12 है क्या? देखो तो डिविजिबल बाय 12 है मैम, सेम नंबर। हाँ, सेम नंबर, नंबर वही है, बस डिविजिबल बाय 12 होगा या नहीं ये बताइए। मैम डिस्कनेक्ट हो गए थे मैम, क्या बोले से पहले? ये नंबर डिविजिबल है या नहीं 24 से ये बताओ चेक करके। दिस नंबर, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 24 और नॉट? और 24 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसको फैक्टराइज कर दीजिए 8 into 3 से। तो अगर ये नंबर 8 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 24 से डिविजिबल होगा। तो आपको 24 से डिवाइड करके नहीं देखना है, 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं ये चेक करना है, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं ये चेक करना है, ठीक है? तो 8 से डिवाइड कर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 3 नंबर चेक करते हैं, और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, टोटल सम डिवाइडेड बाय 3। सो दोनों करके मुझे बताओ, जरा कैमरा ऑन करके दिखाइएगा आपने क्या कैलकुलेशन किया है। सब लोग, जितने लोग भी हो, सबका मुझे कॉपी शो करिए कैमरा ऑन करके।
जल्दी से बताओ कैसे कर लगी। शो मी योर कॉपी। ये बनाना ही शुरू किया। चलो ठीक है अंकित, थोड़ा और क्लियर। ओके चलो ठीक है। अंकित लेकिन आपने दोनों से कहा डिविजिबिलिटी चेक किया, एक ही से किया है ना? ज्यादा हिला, अनम्यूट करिए, बोलिए क्या। मैम ऊपर ऊपर 3 से किए हैं मैम, और नीचे 8 से किए हैं मैम, लास्ट 3 डिजिट चेक किए हैं मैम। लास्ट 3 डिजिट किया है। चलो ठीक है यस मैम। बाकी लोगों का क्या है बताओ जल्दी। ठीक है अंकित चलो बाकी। यस मैम बना सतीश चल मी शो मी एक स्कैन। ये तो पता नहीं आप लोग ऑनलाइन में कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता देंगे आंसर आ गया। 8 से डिवाइड नहीं होगा और डिवाइड नहीं हो रहा है। किससे नहीं हो रहा है? लास्ट का 3 डिजिट जो ऐड किए हैं तो 15 है मैम। मेरा हो गया, ऐड नहीं करना है। सतीश एक मिनट, सतीश 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पूरे नंबर को ऐड करना है। यस मैम तो हो गया 12 से। ओ हो गया ठीक है। अब 24 के केस में अब ये देखना है अगर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करो। हो रहा है डिवाइड करना, हम जोड़ ऐड कर दिए हैं। नहीं नहीं डिवाइड करना है, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करना है 8 से। ओके मैम, 8 के केस में ऐड नहीं करना होता। ठीक है कर लो। अनीता ठीक है मैम, मेरा भी हो गया मैम। 24 से ही मैम डिवाइड किए हैं। ठीक है 24 से हो गया है। यस मैम हो गया। मैं बता सकता है 24 से डिवाइड हो गया है तो वो 12 से डिवाइड होगा या नहीं? होगा मैम, होगा। तो ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा। होगा मैम 12 से डिविजिबल। और ऐसे अगर हमें चेक करना रहता 12 से डिविजिबिलिटी तो क्या करते हैं मैम? 3 और 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं मैम। 3 और 4 से, तो 3 तो ऑलरेडी चेक कर चुके हो और 4 से सिर्फ यहाँ से चेक करना है। ठीक है ना? 8 वाला केस नहीं होगा, मतलब 3 डिजिट नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो 4 है ऑलरेडी, 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सो 12 से भी ये नंबर डिविजिबल है। चलो अच्छी बात। लिखिए दूसरा एक क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन लिखो 475 इनटू 475। क्वेश्चन है 475 इनटू 475। ध्यान से ये भी 4 ही है, 475 प्लस 125 इनटू 125, इसका वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन दिया है 475 और 475 यहाँ है, 125 इनटू 125 ये है और प्लस साइन है, क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे इसको? कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। कैलकुलेटर आज यूज करना शुरू करोगे, अभी शुरू करोगे तो जिंदगी भर कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करते रह जाओगे। बताओ बिना कैलकुलेटर इसको एक बार बता दीजिए ना। ये देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिले ना जहाँ सेम टर्म रिपीट हो। सेम टर्म रिपीट होने का मतलब ऐसा है ए 475 है, ये भी 475 है, 125 है इनटू 125 है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? बताओ जहाँ ए का वैल्यू क्या हो गया 475 और बी का वैल्यू हो गया 125।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमें मुश्किल ही है कि ए का स्क्वायर निकालो फिर बी का स्क्वायर निकालो देन सम करो। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जितना अलजेब्रा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर लो। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये चीज यहाँ कैलकुलेशन इसमें इजी हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, ए प्लस बी एड करो तो क्या आ रहा है, 475 है, 600 मैम। हाँ तो डायरेक्टली हम 600 लिख लेते हैं। 475 और 125 इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, दोनों ऐड करेंगे तो आ जा रहा है आपका 600। और 600 का किसी को भी अगर स्क्वायर निकालने बोल दिया जाए तो हमको नहीं लगता है किसी को बहुत मुश्किल लगेगा, है क्या बताओ? 600 का स्क्वायर निकालना मुश्किल है? सिर्फ 6 का स्क्वायर निकाल लेना है, 0 0 पुट करते चले जाना है। अब इसमें आ जाओ, 475 ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस निकालना होगा। 475 में से 125 घटा दो क्या आएगा बताइए। 350 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आसान आपको नहीं लग रहा है, एक काम करो ध्यान से देखो, ये जो टर्म है एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए थे। देखो है, यस मैम, तो हम लोग फिर से उस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहें तो हम लोग वापस से इसका जो फॉर्मूला है सॉल्व भी कर लो। 1/2 एज इट इज रहने दो, 600 का स्क्वायर क्या है, क्या होगा, 360000 प्लस 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर करने के लिए मैंने सिखाया था, याद है 35 का स्क्वायर क्या होता है, 55, ये टर्म सिखाया था ना, 25 हो जाएगा, और ये 4 मतलब 4 3 का 12, 25 तो 12 25, चलो सो 12 25 और 0 कितना आ जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, हो गया, ऐड कर लो 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, यस मैम, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे भी डिवाइड करके यहाँ से भी आ जाएगा, तो कर लीजिए। से क्या हो जाएगा आंसर, इस तरह से हम लोग ब्रेक करके कर लेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए वही करना पड़ेगा, अगर ये फॉर्मूला याद है इस तरह से हम कर सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान में रहेगा तो फिर बन जाएगा आराम से, नहीं तो फिर मुश्किल है, क्योंकि फिर मल्टीप्लीकेशन करोगे पूरा का पूरा, फिर आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा फाइनली, दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड करके। 1860 ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। सपोज 87 इंटू 87 प्लस 61 इंटू 61 माइनस 2 इंटू 87 इंटू 61। देखो तो ये होगा, सोचो थोड़ा, हो जाएगा मैम, बना रहे हैं। ठीक है, करके बताइए।
हो गया मैम। हाँ बताइए क्या होगा मैम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो जाएगा मैम, टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो आंसर क्या आ रहा है बताओगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैम, माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ ए प्लस बी, ए ठीक है, ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी क्या है, 87 माइनस 61 मतलब कितना आएगा, 26। यस मैम 26 वर्सेस 26 का स्क्वायर जो होगा वो होगा आंसर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, कुछ नहीं करो 20 का स्क्वायर कर लो और 6 का स्क्वायर कर लो, तो 20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर पता है सबको 36 है और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। 400 प्लस 36 सो 436 आ गया आंसर, है ना, है आसान। सो 436 होगा ना मैम, 676 कैसे हो जाएगा, 400 है ना और ये 6 है, 26 का स्क्वायर मैम, 26 का स्क्वायर आ रहा है। हाँ 26 का होल स्क्वायर 676 625 अच्छा 676. ये अलग अलग है ना, हाँ हाँ वैसे ही होगा, ये नहीं होगा, ये अलग फैक्टर, अगर वो a इंटू बी के फॉर्म में रहता तब आ जाता, a इंटू बी के फॉर्म में रहेगा तब आ जाएगा, तो फिर 26 का ही स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इनइक्वालिटी के हिसाब से स्क्वायर ऑफ सम या सम ऑफ स्क्वायर दोनों डिफरेंट हो जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो 796। वो रिलेशन पढ़े हैं ना आप लोग? यस मैम। कोरिलेशन में स्क्वायर इनइक्वालिटी यूज हुआ है क्या मैम? एक स्क्वायर इनइक्वालिटी होता है, कुछ स्क्वायर इनइक्वालिटी अभी नहीं पढ़ाई हुआ है मैम, वो पढ़ाई अभी चल रहा है। चलो ठीक है, 796 इनटू 796 माइनस 204 इनटू 204 देखो तो ये कैसा बनेगा, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अच्छा टू ए भी मैंने पूरा नहीं, इस क्वेश्चन में जो हम बता रहे थे 26 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने क्या था 20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे एक टर्म मिस हो गया था इसीलिए वैल्यू डिफरेंट हो गया, इस 20 का स्क्वायर था ना, तो 20 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाता है, तो 2 इंटू 6 इंटू 20 तब ये उतना ही आ जाएगा, देख लेना इसको, ठीक है, ये भी कर सकते 26 का स्क्वायर यार नहीं, ये वाला बन गया मैम, सेकंड वाला ये वाला, यस मैम बताओ क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी फिर बनेगा मैम, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कितना आ रहा है, 492,000 आ रहा है मैम, 492,000 इसका आंसर आ रहा है। और किसी का बना है 492,000 तो नहीं आना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी कर रहे हो ना, यस मैम, तो अगर इस हिसाब से करेंगे तो 496 में 210 ऐड कर रहे हैं, तो आप 204 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, यस मैम, और ये घटा रहे हो तो कितना, घटा रहे हो तो कितना आ रहा है, फास्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में गड़बड़ मत कर दो, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, दो बार तीन बार कैलकुलेट करते रहेंगे मैम, 592 ना आएगा मैम, देखो ए प्लस बी करना है, तो ये टर्म 592 4 प्लस 6 है ना, हाँ ये ऐड करोगे तो क्या होगा, 5,92,000 आंसर होगा मैम, 1000 ठीक है, 1000
ये कितना है हो रहा है? 592 मैम। 592। अब इसमें आपको क्या करना था, ये था क्या, a into b जा रहा है ना, तो सिंपली इस नंबर पे इतना जीरो डाल दो, आ गया आंसर। यस मैम, 5,92,000। ठीक है, a प्लस b, a माइनस b पे ब्रेक कर लिए, ये आ गया रिजल्ट। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, ये इस तरीके से भी ऐसे कर सकते हो तो आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन आप देख लेना क्या सुटेबल लगता है, ये करना सुटेबल लगता है या स्क्वायर कर लेना ही सुटेबल लगता है। चलो लिखो एक क्वेश्चन और, व्हाट लीस्ट नंबर, वर्ड्स में लिखिएगा इसको, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1672, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1672 एक बार और बोल दीजिए मैम थोड़ा प्लीज। ओके, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड या शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1672 टू ऑब्टेन a number which is completely divisible by 17, which is completely divisible by 17. बताइए, ये नंबर है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे जो डिविजिबल हो जाए 17 से? फास्ट कैलकुलेशन का काम है यहाँ, सो डू इट फास्ट। टेबल याद है सबको 17 का? बताओ, सेवेंटीन का टेबल याद है? यस मैम। यस मैम। चलो अच्छी बात है, तब तो जल्दी से, तब तो बन जाना चाहिए, पर याद है तब। 167 है लास्ट नंबर, 9 टाइम्स तो कैंसिल होगा ही, एक क्योंकि 110 में आ जाता है, 10 टाइम्स में 170 आ जाता है, तो 9 टाइम्स, तो 9 के बाद आगे देखिए क्या है, 153 आता है ना लास्ट फ्रैक्शन, जल्दी से करो ना, टाइम नहीं लगाओ। इतना टाइम कौन लगा रहा है इसमें, 17 से भाग दो ना जल्दी से। चलो देखो, इसको कुछ नहीं कर सकते फिलहाल हम लोग, 17 से डिविजिबिलिटी देख लीजिए क्या है, कितना रहेगा तो डिवाइड करेंगे। अब 17 से डिवाइड करोगे 16 तक में तो डिवाइड होने वाला नहीं है, करना क्या पड़ेगा, पूरा का पूरा 3 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा 167 तक। अब 167 तक नंबर लोगे तो देखना 17 के टेबल में, मैम 6 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, मैम 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। यस मैम। चलो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखो 170 टाइम में आएगा 10 टाइम में, तो 9 टाइम में तो सिंपली आ जाएगा, पहले टेबल पढ़ने आता अगर होगा तो देख लेना 9 टाइम्स में 153 आ जाएगा। करिए, 4 1, ये तो कैंसिल ही हो गया 14, देन अगेन ये 2, अब 142 में देखो क्या आएगा, 17 153 9 टाइम आ गया,
तो ऑब्वियसली बात है 8 टाइम जाएगा ये, 143 है यहाँ, 142 है। अब 8 का टेबल पर पढ़ो क्या आता है, 8 टाइम्स। अभी सब लोग बोल रहे थे टेबल आता है, किसी को याद है कि नहीं कुछ? 136 हो जाएगा, याद है मैम, बोलते क्यों नहीं होता? अब इसको सबस्ट्रैक्ट करो, 12 में से 6 गया, बचा 6, मैम 6 3 कैंसिल, तो अल्टीमेटली 6 ही हटाना पड़ेगा। मतलब अगर इसमें से 6 रिमूव कर दिया जाए, सबस्ट्रैक्ट किया जाए 1672 में से 6 का नंबर अगर घटा दिया जाए, तो वो पूरा का पूरा 17 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर ही रिमूव करना है ना, बाकी तो इतना उतना का मल्टीपल है ही, तो ये रिमाइंडर है जो हमें रिमूव करना पड़ेगा। चलो लिखो एक क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग यहाँ पे थोड़ा सोचिएगा और बनाने की कोशिश करिए, कॉपी पेन लेके इसीलिए हम बैठने बोल रहे हैं। 1 2 4 0 1 ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय अ सर्टेन नंबर, किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ये यहाँ नहीं बताया गया है। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ सर्टेन नंबर वी गेट 76 एज कोसेंट, 76 एज कोसेंट एंड 13 एज रिमाइंडर। सर्टेन नंबर के बाद क्या बोली है? ऑन डिवाइडिंग दिस बाय सर्टेन नंबर वी गेट, सर्टेन नंबर के बाद लिखिए वी गेट दिस एज कोसेंट एंड 13 एज रिमाइंडर, 13 एज रिमाइंडर। व्हाट इज द डिविजर डिस्टर्ब होता है इसलिए बंद कर दिया। बताइए जल्दी से, रिमाइंडर क्वेश्चन सब पता है ना क्या क्या है, बताओ। किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बोलो। मैम रिमाइंडर 13 है मैम, क्वेश्चन 76 है मैम। हाँ वो हम बता दिए हैं, क्वेश्चन का मतलब हो सकता है बहुत लोग को नहीं याद हो, ऐसा भी है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम, क्वेश्चन का मतलब क्या नहीं याद है? क्वेश्चन का मतलब वो किसको पता नहीं होगा मैम, सबको तो पता ही है। बिहार बोर्ड वाले हो सकता है उनको पता हो, भाज्य भाजक समथिंग ऐसा कुछ। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये एक नंबर है, इसको कुछ से डिवाइड कर रहा है, मान लो वो एक्स है, ठीक है, ये x नंबर ढूंढना है आपको, यही ढूंढना है, ये इसे डिवाइड कर रहे हो x से, तो कोसेंट ये आ रहा है और ये रिमाइंडर आ रहा है, तो ये नंबर क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है अब समझ आ गया? यस मैम। चलो बताओ, कैमरा ऑन करिए तो सब देखें हम। मैम 163 होगा मैम, 163 होगा क्या आंसर इसका, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं? यस मैम। ठीक, कैसे बनाए हो दिखाओ तो जरा, कॉपी शो करो। नहीं दिख रहे अंकित, एक्स मान के बना लिया है मैम, मल्टीप्लाई करके जो उसका रूल होता है वही ना।
यस मैम, डिविडेंड मल्टीप्लाई करके जो। यस मैम, यस मैम, ठीक है। और किसी का? मैम अचानक आप लोग का क्लास वर्क खत्म हो जाता है, मैम अटेंडेंस ले लेते हैं मैम। अचानक कैसे खत्म हो जाता है? टाइम पे ही खत्म हो जाता है। मैम अच्छा, अब खत्म अटेंडेंस होने लेना। वाला हो, समय आ गया है मैम। ओके ओके, अच्छा क्यों याद दिला। चलो बनाओ, पहले सबका बन गया? सबका आंसर मुझे चाहिए, किसी एक के आंसर नहीं चाहिए। कोर्स वर्क नहीं कर रहे हम लोग कि हम लोग पहले खत्म कर लें, काम हो गया, प्रैक्टिस ही करना है इसमें। बताओ, बाकी लोगों का बना है सिवाय अंकित? अंकित के सिवा तो किसी ने दिखाया नहीं। सतीश, आपका क्या हाल है? सतीश, अभिनव, मैम ज्वाइन अभी किया कि सब बना भी रहे हो? ज्वाइन करके मोबाइल रख देता है सब। मैम चलो बुलाइए ना, तो वही नहीं है, बोलेगा मैम। आज अटेंडेंस नहीं मिलने वाला है इनको। सनाया, मुस्कान, पल्लवी, जिन जिन को बोल रही हूँ और नहीं बोल रहे हैं ना, सबका अटेंडेंस हटा दे रहे हैं। यस मैम। हाँ तो बना के दिखाओ जल्दी से। मैम बना रहे हैं। मैम मुस्कान म्यूट किए हुए, मैम बोल रही तो आपका आवाज ही नहीं जा रहा है। मैंने किसी को म्यूट नहीं करके रखा है, और अगर कर पाते तो कोई भी अनम्यूट नहीं कर पाता ना। मैम अलाउ नहीं किए हुए हैं मुझे। तो कैसे बोल रही हो तुम? मैम ये पल्लवी के आईडी से बोल रहे हैं। बोलिए ना, नेम बोलिए तो। नेम, मैम रोल मुस्कान, नंबर। मुस्कान कुमारी, रोल नंबर 13। एक मिनट, मुस्कान को करो तो अनम्यूट, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैम सेम है, अभी तक अनम्यूट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो उसके फोन में ही कुछ गड़बड़ी है। ऐसा नहीं होगा ना कि एक अनम्यूट कर सकता है एक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अभिनव नहीं बोल रहा ना, चलो इनका अटेंडेंस करना है। संगीता, संगीता, सुभद्रा, सॉल्व हो गया। संतोष झा, सुभद्रा भी नहीं है मैम। हाँ हाँ नहीं है। राजू कुमार, संतोष ने भी नहीं कहा ना कुछ। चलो ठीक है। अपर्णा, नहीं बना मैम, नहीं बना है, बनाइए एक बार। उनको पता है नहीं बना है। यही यही सबसे लास्ट में जब होगा ना, किसी से पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा, सब लोग नहीं बताओगे और अंत में बोलोगे बना ही नहीं है। तब से नहीं पता चल रहा था बना है या नहीं। समस्या यह है कि इंग्लिश मीडियम हम नहीं पढ़े, इसलिए नहीं पता चल रहा है कि क्या। हम तो ये भी पूछे थे ना बाबू, एक मिनट मैम, मीडियम इंग्लिश मीडियम बाद में बोलना। मैंने पूछा था कि नहीं, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम क्यों बोल रहे हो? क्वेश्चन समझ में नहीं आया ये पूछने के लिए मैंने बोला था या नहीं बताओ। बोले थे मैम, हम भी बोले क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कब बोले थे? अभी बोले, आप समझा है लेकिन समझ में नहीं आया। जब तुमसे आंसर पूछा जाएगा ना तब बोलोगे कि समझ में नहीं आया था 5 मिनट बाद। जब क्वेश्चन बोला गया था तब नहीं पता चल रहा था कि आपको समझ में नहीं आया, ये भी समझने में इतना टाइम लगता है। मैम बोलो। मैम सुभद्रा का भी मैम ऐसे ही है, मैम उसका म्यूट नहीं खुल रहा है। हमको पता है सबके साथ कुछ ना कुछ आज हो चुका होगा। चलो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। चलो देखो, एक नंबर है, ये नंबर लिख लीजिए जिसको हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन है। ये जो टर्म होता है इसको क्या बोलते हो? डिविजर, ठीक है? ये डिविजर है,
मैम राजू है, इसको भगाइए तो मैम क्लास से। राजू अच्छा ठीक है, शांत रहो। सो ए डिविजर है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाजक। हाँ याद रखना। नेक्स्ट ये है डिविडेंड। जिसमें भाग दे रहे हैं और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भाज्य। यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिस वन, ये 76 आया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? खैर यहाँ बताने का जरूरत है नहीं, भागफल है। और ये जो 13 है ये आपका रिमाइंडर होगा। अब डिवाइड करके देख रहे हो तो यहाँ पे एक्स है, ये पता है नहीं। और हमेशा क्या होता है, जब भी ये वैल्यू आपको निकालना हो या फिर ये वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये जो डिविडेंड है हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दिस इज इक्वल टू दिस टर्म डिविजन इंटू कोसेंट क्यू प्लस रिमाइंडर। अब देखो ये आपको नहीं पता है, ये पता है तो सारा, ये भी पता है आपको, ये भी पता है तो सारा वैल्यू पुट करो। ये वैल्यू एक्स है, निकालो क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। ये मालूम है वैल्यू, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो वैल्यू है। दिस क्वेश्चन इज 76, दिस रिमाइंडर इज 13 और ये नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है। तो अब एक्स निकालो यहाँ से, सारा वैल्यू पता है इन चार में से, तीन वैल्यू पता है, एक वैल्यू नहीं पता है, उसको कैलकुलेट करना है, करो जल्दी से करके दिखाओ। क्लास खत्म होने के पहले मुझे आंसर चाहिए। बताइए आंसर जल्दी से। कितना आया है? 162। ठीक है ठीक है संगीता। और किसी का आवाज कट रही है तुम्हारी, फिर से बोलो। कैमरा ऑन करो, आंसर शो करो जल्दी। मैम 139 मेरा भी आया था। 139 जो पहले आप आंसर बताए थे ठीक था।